तो गाइज आज मैं आपको ये वाली पिज्जा सॉस बनाने की रेसिपी दे रहा हूँ, तो ये बहुत टेस्टी है और स्पाइसी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है एक टमाटो, और फिर हमने ना उसको कुछ इस तरीके से बीच से स्लिट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और फिर जो इसकी ये आई होती है इसको भी हमने रिमूव कर देना है अच्छे तरीके से। कुछ इसी तरीके से हमें चाहिए होंगे यहाँ पर 6 से 7 टोमेटोज। तो यहाँ पर मैंने सारे टोमेटोज को काट लिया है। एक मैंने लिया मिक्सी, उसके अंदर मैं डाल दूंगा सारे टोमेटोज को। उसके अंदर मैंने 4 सूखी हुई मिर्च डाल ली, थोड़ा सा नमक डाला। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, देगी मिर्च है, इसके अंदर मिर्च नहीं कम होती है, ये सिर्फ रंग की मिर्च है। और इसको हमने ब्लेंड कर लिया। अब एक बड़ा सा पैन लेंगे, उसके अंदर लगभग 3 से 4 चम्मच हम डालेंगे तेल के। यहाँ पर मैंने एक कुकिंग ऑयल लिया है, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल, 4 बिग टेबल स्पून यानी कि 4 बड़े चम्मच। तो अब हमने इसको गरम करना है थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। एक बार मैंने अच्छे से फैला भी दिया है, और अब ये जैसे कि गरम हो चुका है, इसके अंदर हमने 6 से 7 कलियां डालनी है लहसुन की यानी गार्लिक, 6 to 7 क्लोव्स। और एक बार हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हल्का फुल्का रोस्ट हो चुका है। तो इसके बाद हमने जो हमने पेस्ट बनाया था टोमेटो और रेड चिली का, हमने उसको पूरा का पूरा इसके अंदर पोर कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आप देख ही सकते हो अच्छे से पोर कर लिया है। अब हमने इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पकाना है, क्योंकि ये पहले नहीं पका हुआ था, तो यहाँ पर अच्छे से पकाना है। और इसको काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होने तक हमने पकाना है, काफ़ी बॉयल आएंगे। आप इसको ज़्यादा मत खोलना, वरना ये साइड में जैसे छींटे हैं वैसे के छींटे आएंगे। जब तक आपकी सॉस इस कंसिस्टेंसी में आ जाए तब तक आपको यहाँ पर पकाते रहना है, ठीक है। तो ये काफ़ी गाढ़ी होनी चाहिए। अब आप फ्लेम को ऑफ कर सकते हो, और फिर आपको एक बार फिर से इसको एक मिक्सी के जार में डालना है। तो मैंने एक बार फिर से इसको मिक्सी के जार में डाल दिया। एक बार फिर से हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल लिया है। अब मैंने सिंपली इसको बंद किया, और फिर मैंने इसको ग्राइंड करना एक बार फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देख ही सकते हो हमारी जो है ये रेडी हो चुकी है। जो हमारी सॉस है वो एकदम रेडी है। आप इसको एक कंटेनर में डालकर 1 महीने तक रख सकते हो फ्रीज़र में, ये ख़राब नहीं होएगी।